नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 22 साल पहले हुए जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में योगी सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अपील से क्या योगी सरकार ब्राह्मणों को साधने में जुटी है, इसे लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। सोमवार को अभियोजन पक्ष की मुकदमा वापस लेने की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन लंबी बहस के बाद डेट लग गई है। सियासी जानकारों के मुताबिक पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता उदय भान करवरिया अगर इस मामले में जेल से छूट जाते हैं तो प्रयागराज के सियासी समीकरण बदल जाएंगे। किसी जमाने में भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी रहे करवरिया को भाजपा में सभी धड़ों का समर्थन प्राप्त है। ब्राह्मण नेता के अलावा करवरिया को जिले के सबसे दबंग भाजपा नेता के तौर पर भी जाना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब प्रयागराज में केवल उदय भान ने अपनी सीट बचाई थी, करवरिया को इसका इनाम भी मिला था। उन्होंने भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया था। जेल से निकलने के बाद शहर में सियासी की एक और मजबूत धुरी करवरिया कोठी बन जाएगी। ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप से निकलने के लिए योगी सरकार ऐसे तमाम कदम उठा रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक इसके चलते ही करवरिया से केस वापस लेने का फैसला भी किया गया है। भाजपा के रणनीतिकार का मानना है इससे न केवल प्रयागराज कमिश्नरी की 3 लोकसभा सीटें बल्कि विधानसभा सीटों पर भी फायदा होगा। भाजपा इस फैसले को पूर्वांचल में भुनाने की कोशिश करेगी। जवाहर यादव और पंडित हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद उदय भान करवरिया ने 1 जनवरी 2014 को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वे अभी तक जेल में ही हैं। वहीं उनके भाई और पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और MLC सूरज भान करवरिया चचेरे भाई कल्लू महाराज को भी जेल जाना पड़ा है। रसूखदार राजनीतिक घराने के तीनों कद्दावर चेहरों के जेल जाने के बाद सालों से चली आ रही राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई है। उदय भान की पत्नी नीलम करवरिया चुनावी मैदान में 2017 में उतरी और विधानसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। नीलम ने मेजा सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि योगी सरकार करवरिया बंधुओं से मुकदमा वापस लेने के बाद से प्रयागराज में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी इसी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।